डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग उदयपुर द्वारा जारी की गई क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी की वर्कबुक के अंतर्गत आज हम वर्कशीट थर्ड का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस वर्कशीट थर्ड का जो पार्ट है वो है आपका क्लोज और लर्निंग एरिया है ग्रामर, यानी एक ग्रामर का एक टॉपिक है क्लोज, जिसके अंतर्गत दिए गए कुछ सेंटेंस का हम अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इस प्रकार है, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग विच, हु और वेयर, यानी ये तीन चीजें हैं विच, हु और वेयर, इनसे हमें दिए गए सेंटेंस को जोड़ना है। तो आइए सबसे पहले हम देख लें कि यहां पर विच, हु और वेयर, इन तीनों रिलेटिव क्लोज का हमें क्या करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जहां पर भी विच का यूज करेंगे वहां पर हमें कोई न कोई वस्तु या एनिमल नजर आएगा, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें थिंग या एनिमल इनके बारे में बात की गई हो वहां पर हम यूज करेंगे विच का। और जो सेकंड है हु, तो हु का यूज करेंगे हम पर्सन के लिए, किसके लिए, पर्सन यानी व्यक्ति के लिए। एंड जो थर्ड पार्ट है वेयर, उस वेयर का यूज करेंगे हम प्लेस के लिए यानी स्थान के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखें तीनों चीजें विच, हु, वेयर का हमें यूज कहां करना है। तो आइए सबसे पहले हमें एक सेंटेंस का अध्ययन करें। ए यंग रिसेप्शनिस्ट रिसीव्ड अस इन द ऑफिस, सी वॉज वेरी कर्टियस, यानी यहां पर आप देखिए तो पहला जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है यंग रिसेप्शनिस्ट, ये एक पर्सन है, और सेकंड सेंटेंस देखे आप सी, जो कि ए यंग रिसेप्शनिस्ट के लिए आया हुआ है, तो हम यहां पर यूज करेंगे हु का। किसका यूज करेंगे, हु। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हु का यूज करने के लिए आप सेकंड सेंटेंस के प्रोनाउन को हटा दें और उसको हटाकर उसकी जगह लिख दें हु। अब इस पूरे वाक्य को यानी हु वाज वेरी कर्टियस को पहले सेंटेंस के रिलेटेड सब्जेक्ट यानी पर्सन के आगे लिख देते हैं, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ए यंग रिसेप्शनिस्ट received, young receptionist who was very courteous, और फिर ये पूरा सेंटेंस बचा हुआ लिख देंगे received us in the office। सेकेंड सेंटेंस, ही लिव्स इन ए स्मॉल टाउन, इट इज पॉल्यूशन फ्री, यानी सेकेंड सेंटेंस में आप देखें तो जो सब्जेक्ट इट जो है वो एक टाउन के लिए है। टाउन यद्यपि यहां पर प्लेस है लेकिन प्लेस से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, ऐसी स्थिति में हम यूज करेंगे विच का। तो यहां पर सेकेंड सेंटेंस है वो हम कनेक्ट करेंगे विच से। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर इट को हटाकर हम लिख देंगे विच और उसके बाद पूरा सेंटेंस विच इज पॉल्यूशन फ्री, और ये किससे रिलेटेड है, टाउन से, तो उसके आगे लिख देंगे, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही लिव्स इन ए स्मॉल टाउन विच इज पॉल्यूशन फ्री। थर्ड सेंटेंस, माई एल्डर कजन रोट द स्क्रिप्ट ऑफ दिस ड्रामा, सी इज वेरी टैलेंटेड। तो यहां पर आप देखें तो माई एल्डर कजन पर्सन है, और यहां पर सेकेंड सेंटेंस में जो प्रोनाउन है सी वो यूज हुआ है माई एल्डर कजन के लिए। तो यहां पर हम इसको कनेक्ट करेंगे इस दोनों सेंटेंस को हु से, तो यहां पर हम सी को हटाकर हु लिख देंगे और पूरा सेंटेंस रिलेटेड सब्जेक्ट यानी माई एल्डर कजन पर्सन के आगे लिख देंगे, तो यहां पर हमारा सेंटेंस हो जाएगा माई एल्डर कजन हु इज वेरी टैलेंटेड, हु इज वेरी टैलेंटेड रॉट द स्क्रिप्ट, रॉट द स्क्रिप्ट ऑफ दिस ड्रामा।
नेक्स्ट सेंटेंस है आपका यू बॉट ए हाउस लास्ट ईयर इट इज वेरी ब्यूटिफुल एंड स्पेसियस, यानी तुमने एक पिछले साल तुमने एक घर खरीदा और इट, तो यहां पर जो इट है वो यूज हुआ है हाउस के लिए यानी एक वस्तु के रूप में, यद्यपि ये वैसे तो ये प्लेस है लेकिन यहां पर उसकी कोई अलग से यहां पर कोई विशेषता नहीं दिखाई दे रही है, यानी कोई भी सेंटेंस में हियर या देयर का प्रयोग नहीं हुआ है दूसरे सेंटेंस में, तो ऐसी स्थिति में हम यहां पर इसको कनेक्ट करेंगे विच से, तो यहां पर अपना सेंटेंस हो जाएगा विच इज वेरी ब्यूटिफुल एंड स्पेसियस, वो आ जाएगा उसके रिलेटेड ए हाउस के आगे, तो यहां पर अपना सेंटेंस हो जाएगा यू बॉट ए हाउस विच इज, चाहो तो आप यहां लास्ट ईयर लिख सकते हो लेकिन क्लोज सेंटेंस है वो इमीडिएट उसी वर्ड के आगे लिखा जाता है, तो विच इज वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पेसियस लास्ट ईयर, ये जो टाइम है वो आप लास्ट में या पहले भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर फाइव, एवरीबडी प्रेज माई सिस्टर इज वेरी गुड ऑरेटर, तो यहां पर आप देखिए तो सेकंड सेंटेंस में माई सिस्टर है जो पहले सेंटेंस में आई हुई माई सिस्टर को रिपीट कर रहा है, यानी यहां पर यदि हम प्रोनाउन सी भी लिखें तो भी चलेगा, और चूंकि यहां पर ये पर्सन की बात कर रहा है तो इसको हम कनेक्ट करेंगे हु से, तो यहां पर माई सिस्टर को हटा देंगे हु लिख देंगे और ये पूरा सेंटेंस संबंधित शब्द यानी माई सिस्टर के आगे लिख देंगे, तो यहां पर अपना सेंटेंस हो जाएगा Everybody praises my sister who is a very good orator. Next आपका sentence है I want to visit a cafe. I can get the best coffee in the town. यहां पर सेंटेंस है वो कैफे के बारे में बता रहा है और दूसरा है कि आई कैन गेट द बेस्ट कॉफी इन द टाउन, तो यहां पर ये कैफे स्थान को शो कर रहा है जहां पर मुझे अच्छी कॉफी मिल सकती है, तो यहां पर हम इसे वेयर से कनेक्ट करेंगे, तो यहां पर कुछ नहीं करना है दोनों सेंटेंस के जस्ट बीच में वेयर से इसको कनेक्ट करना है, तो आई वांट टू विजिट ए कैफे वेयर वेयर आई कैन गेट द बेस्ट कॉफी कॉफी इन द टाउन. नेक्स्ट आपका सेंटेंस है सेवन, ए रिवर फ्लोज थ्रू माई विलेज इट इज द लाइफ लाइन ऑफ द विलेज, यानी यहां पर आप देखें तो यहां पर रिवर है वो मेरे गांव में से होकर बहती है जो कि मेरे विलेज की लाइफ लाइन है, तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर आप देखें तो इट है वो आया रिवर के लिए जो कि यहां पर एक वस्तु की ओर इंगित कर रहा है, तो यहां पर हमारा सेंटेंस हो जाएगा ए रिवर और उसके आगे हम उस सेंटेंस को रख देंगे इट हटाकर उसकी जगह विच लिख देंगे और पूरा सेंटेंस इस रिवर के आगे लिख देंगे विच इज The lifeline of the village flows through my village. Next sentence eight. A mall is a place We can get all kind of things in a single building. यानी मॉल एक स्थान है, अब स्थान का यूज हुआ है तो हम यहां पर यूज करेंगे वेयर से जहां पर हम बहुत सी चीजें एक ही बिल्डिंग में प्राप्त कर सकते हैं, दोनों सेंटेंस के बीच में हमें यहां पर वेयर यूज करना है, तो ए मॉल इज ए प्लेस वेयर वी कैन Get all kinds of things
इन ए सिंगल बिल्डिंग. नेक्स्ट है सेंटेंस 9. द कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, द कार इज वेरी कॉस्टली. यहां पर आप देखें तो कार रिपीट हुआ है, यानी वस्तु है, और ऐसी स्थिति में हम इसको कनेक्ट करेंगे विच से. तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर सेकेंड सेंटेंस में से द कार हटाकर विच लिख देंगे, और विच इज वेरी कॉस्टली जो उससे रिलेटेड वर्ड यानी वस्तु है द कार उसके आगे लिख देंगे, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा द कार और फिर सेकेंड सेंटेंस वाला पार्ट विच इज वेरी कॉस्टली, और फिर बचा हुआ सेंटेंस इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस. नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस, सी लॉस्ट द बैग. द बैग कंटेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी उसने बैग खो दिया और उस बैग में फ्रूट्स और वेजिटेबल थे. तो यहां पर आप देखिए सेकंड सेंटेंस बैग है, जो फर्स्ट सेंटेंस बैग के लिए आया हुआ है, तो यहां पर इस सेंटेंस को हम कनेक्ट करेंगे विद से. तो सेकंड सेंटेंस में आए हुए द बैग जो कि वस्तु है रिपीट हुआ है, इसलिए इसको हटा देंगे और इसकी जगह विच लिख देंगे, और पूरे सेंटेंस को पहले सेंटेंस से संबंधित सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यानी किससे संबंधित है, यहां पर ये ऑब्जेक्ट से संबंधित है उसके आगे लिख देंगे. तो यहां पर हमारा सेंटेंस हो जाएगा सी लॉस्ट द बैग विच कंटेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो डी स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने RSCRT द्वारा जारी की गई वर्कबुक के अंतर्गत हमने वर्कशीट 3 का अध्ययन किया. वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू.